स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में 10 रुपए में भरपेट भोजन का शुभारंभ। रक्त सेवा समिति सितारगंज के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के सामने 10 रुपए में भरपेट भोजन के स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर लागत मूल्य पर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क आदि का भी स्टॉल लगाया गया। स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे व रक्तदान सेवा समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता ने किया। समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता ने बताया कि स्टॉल में 10 रुपए में भरपेट भोजन का स्टॉल प्रतिदिन 11 से 2 बजे तक एवं शाम 7 बजे से 9 बजे तक लगाया जाएगा। कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों को लॉकडाउन होने की वजह से भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। भोजन स्टॉल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। समिति के सरपरस्त सुभाष गुप्ता ने जानकारी दी। इस अवसर पर व्यापार मंडल महामंत्री मनीष किन्नरा, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सिंघल, बीडीसी सदस्य विशाल त्रिपाठी, संदीप बावा, पंकज गहतोड़ी, भोजन व्यवस्था प्रमुख फैजल अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट।